आशा द डिस्क्रिप्टिव न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। गणेश उत्सव के आयोजन प्रत्येक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों की आस्था में अभिवृद्धि होती है, क्योंकि हम सब विघ्नहर्ता का स्वागत करते हैं। त्योहारों की भावना शुरू करने के लिए एजुकेशन टुडे फाउंडेशन एक ऑनलाइन इंटर स्कूल इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के माध्यम से शहर भर के छात्रों द्वारा ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए स्ट्रीम किया गया। विख्यात मूर्तिकार मिनल लेले खरे, जो पिछले 15 वर्षों से कार्यशाला के दौरान छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए टैगलाइन आपला बाप्पा आपणच बनूया के तहर कल्याण और डोंबिवली में इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ जयेश भी थे, जो इस तरह के पहले में गहराई से शामिल है। आयोजन के लिए आर्य गुरुकुल नांदिवली, आर्य गुरुकुल अंबरनाथ व सेंट मेरीज हाई स्कूल, इन तीन स्कूलों के कुल 105 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी का प्रमाण पत्र मिला। गणेश लोक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम का समापन हुआ। वास्तव में कार्यक्रम की खुशी हिस्सा का कारण था। इस वर्ष कोरोना के कारण मुझे यकीन नहीं था कि गणेश उत्सव उसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा, लेकिन युवा पीढ़ी की प्रतिक्रिया को देखकर यह देखकर बहुत खुशी होती है कि युवा भी अपने निर्माता को नहीं भूलते। ऐसे समय में श्रीमती खरे ने व्यक्त किया कि मैं आज एक सुरक्षित मंच देने के लिए शिक्षा के लिए शुक्रगुजार हूँ, जहाँ मैं अपने कौशल्य से गुजर सकती हूँ। प्रकृति के लिए प्यार पैदा करना और हमारी संस्कृति के लिए प्यार हमारा आदर्श वाक्य है। हमें खुशी है कि हमारे पास संसाधन की ताकि छात्र इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी कला सीख सके। कई खूबसूरत हाथ से बने गणेश की तस्वीरें देखकर बहुत खुशी हुई। एजुकेशन टुडे फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री भरत मलिक ने साझा किया, एक एजुकेशन टुडे फाउंडेशन के पास आर्य गुरुकुल, CBSE बोर्ड स्कूल नांदेवली और अंबरनाथ और सेंट मेरी हाई स्कूल SSC बोर्ड स्कूल कल्याण में इसके तत्वाधान में है और यह चिन्मय विजन प्रोग्राम पर आधारित है। ये छात्रों के लिए लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हरिओम एंड नमस्ते। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। विद दिस ऑस्पिशियस गणेश गायत्री मंत्र आई वेदांत कनेरी बाव लो टू लॉर्ड गणेश एंड प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल यूनिवर्स एंड वेलकम यू ऑल फॉर द इको फ्रेंडली ऑनलाइन वर्कशॉप। द लॉर्ड सूर्य इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। The Lord Surya gives knowledge, divinity and performance. According to Hindu astrology, Sun is the significator of the soul. That is why the Hindu people in India do water offer to the Sun. The Lord Surya is the Lord of all the planets on the heavenly body and the most powerful one. Arya Global's workshop on eco-friendly Ganesh is one such effort on our part, where we shed away the practice of making idols of plaster of Paris and move into making clay idols that are eco-friendly. And I am sure that way Lord Ganesha will accept our prayers faster and bless us to get rid of the pandemic of COVID-19. So, with sincere and heartful wishes of health and happiness for all, I welcome our resource person, Mrs. Meenal Lele Khare. I welcome Srimati Neelam Malik Ma'am, Director, Arya Global, Shri Bharat Malik Sir, Founder, Chairman, Mrs. Radhamani Ayer, Principal, Arya Gurukul, Ms. Shobhna Jha, Principal, St. Mary's High School, and all heads of the departments, teachers, and my dear friends. Hari Om and Namaste. I, Arya Dhotre, is here to introduce you with Ms. Meenal Ma'am, the resource person for the day. Mrs. Meenal Khare Ma'am is a national level carom player and has won many awards. Making eco-friendly Ganesha is her passion. Charismatic person with magical fingers, she creates magic.
magic on a carom board as well as in clay. From the last 15 years, she has conducted innumerous workshops in Kalyan and Dombivli region under the tagline Apla Bappa, Apanaj Banavya, and is creating environmental awareness among people. We also have with us Mr. Jayesh, who is equally contributing in this noble cause. I would like to request Mrs. Neelam Malik Ma'am, Director, RL Global, to kindly felicitate Mrs. Meena Lele Khare Ma'am and Mr. Jayesh Sir. School education is a crucial stage in the development of a person's behavior, social awareness and selflessness. At school, we learn values, behaviors that will stay with us throughout our adulthood. And it will also define as to who we are. That is what makes it so important to encourage caring attitude amongst our children towards the environment. Ganesh Chaturthi is just around the corner. And like every other year, the water bodies will be adversely impacted, destroying the aquatic ecosystem. The school believes in leading by example. Therefore, every year, the school organizes workshops to make eco-friendly Ganesha. The Ganesh idol for the school celebration is also made in the school, and it is decorated with eco-friendly colors to avoid water pollution. The Ganesha idol is then immersed in a pond which is made in the school specially for this occasion. The water is then used for the garden plants, while the flowers are used to prepare manure. This is our small effort towards protecting the environment throughout this program. Through this program, we also want to encourage amongst our children a keen sense of duty towards the environment and an endeavor to protect it. In doing so, we are protecting the environment for our future and for the future of our children too. This year we have Mrs. Meenal Lele Khare, who has been making eco-friendly Ganesha's idols since many years. I think she was the first lady entrepreneur with the huge workshop to make Ganesha idol. To help Mrs. Lele, we have with us also an artist, Jayesh. And his name is Jayesh. And beautiful Ganesha idol is made and is ready for the school, and we are just waiting to say to arrive and to say, you know, Ganpati Bappa Laukar Ya. And the idol is made by Meenal and Jayesh. And the slogan that Meenal has been spreading is Aple Bappa Apanas Banuya. The Bureau Report, Discovery TV News. तो यह थे आज के कुछ मुख्य समाचार। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9388420420। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।